2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्लासिक डेबिट कार्ड लेना चाहिए या ग्लोबल डेबिट कार्ड। तो उसके लास्ट में मैंने यह भी बताया था कि इसको अप्लाई करने के तरीके भी बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो में मैंने योनो SBI से किस प्रकार अप्लाई किया जाता है वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से किस प्रकार अप्लाई किया जाता है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यदि आपका भी अकाउंट SBI बैंक में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ऑनलाइन SBI टाइप कर देना है। पहली वेबसाइट मिलेगी onlinesbi.com, जिसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड व कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आपको यहाँ से टाइप करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। ऐसी होम स्क्रीन आपको दिखाई देगी, 3 डॉट पे क्लिक करना है। ई सर्विस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको ATM कार्ड सर्विसेज, अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट एंड ट्रैक डेबिट कार्ड, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना प्राइमरी अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड व माई कार्ड। तो डेबिट कार्ड तो नॉर्मल SBI बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वही होता है। माई कार्ड क्या होता है, इस पर आप अपनी मनमर्जी के अनुसार कस्टमाइज फोटो लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप गैलरी से अपलोड कर सकते हो। उसका जो फीचर्स है गैलरी से अपलोड वाला वो भी डिसेबल है, आने वाले समय में ज़रूर आ जाएगा लेकिन अभी डिसेबल है। आपको 50 से 60 फोटो दी जाती है, उनमें से आप अपने डेबिट कार्ड के फ्रंट में जो फोटो लिखी हुई आती है, जो आपको दिखती है, वो आप प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन उसके चार्जेज भी ज़्यादा है। ये सारी बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डेबिट कार्ड या माई कार्ड, कुछ भी कर लो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस चार्जेज की बात है। उसके बाद में जो आपके डेबिट कार्ड पे नीचे की तरफ नाम लिखा होता है वो नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और डेबिट कार्ड में अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है, तो मैं देखता हूँ मेरे इंटरनेट बैंकिंग में SBI बैंक मुझे कौन कौन से डेबिट कार्ड दे रहा है। तो उन सारे डेबिट कार्ड की ये लिस्ट रही जो मैं मंगवा सकता हूँ अपने घर बैठे और इन डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, SBI ग्लोबल कॉन्टेक्टलेस कार्ड वीज़ा। उसके बाद में आई एक्सेप्ट और सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो घर बैठे मैं डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा और 7 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस में ये डेबिट कार्ड मुझे मिल जाएगा। उसी प्रकार मैं माई कार्ड भी मंगा सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, माई कार्ड पे क्लिक करोगे उसके बाद में जो आपको डेबिट कार्ड पे नाम चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद में आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, तो वेरिएंट सेलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP डालते ही आपका डेबिट कार्ड या माई कार्ड आपको 7 दिन के अंदर आपकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।